हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास नाइन्थ में नंबर सिस्टम चैप्टर से नंबर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 32 की पावर 1/5 है, माइनस 7 की पावर 0 है एंड प्लस 64 का पावर हाफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का एक्सपोनेंट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, इन सब क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। 32 की पावर 1/5 है, 1/5 प्लस ये क्या लिखा हुआ, माइनस 7 की पावर 0 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे 64 की पावर क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, यस आर नो। तो देखो यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि 32 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 की पावर यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करोगे, 2 वन जै 2, 2 सिक्स जै 12 एंड 2 एट जै 16 एंड 2 फोर जै 8 एंड 2 टू जै 4 एंड 2 वन जै 2। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है कि सर जब 32 को मैंने फैक्टर किया तो 1, 2, 3, 4, 5 ना फैक्टर ऑफ 32 क्या गया, 2 की पावर 5 आ जाएगा, यस आर नो, 2 की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, 7 की पावर 0 माइनस जो भी नंबर्स है, नंबर्स के पावर 0 है उसके लिए 1 आ जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे 64 को अगेन आप ब्रेक करोगे, तो 64 को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, 64 का फैक्टर, इसको भी आप फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर क्या होगा, 2, 3 जै 6, 2, 2 जै 4 एंड 2 1 जै 2, 2 16 जै एंड 2 8 जै, ठीक है, एंड 2 4 जै 8 आ जाएगा एंड बेटा यहाँ पे 2 2 जै 4 आ जाएगा, 2 1 जै 2 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जब मैंने 64 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 6 आ रहा है। काउंटिंग कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। 64 का फैक्टर किया तो 2 की पावर 6 आ गया और 32 का फैक्टर किया तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, हाँ या ना। तो इतना आने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि 32 की पावर 1/5 है, 32 की पावर क्या है, 1/5 है। तो अब देखो इसको मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 5 का होल पावर 1/5, ठीक है, अभी बस मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। माइनस 7 की पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 7 की पावर 0 है यहाँ पे एंड प्लस आप 2 की पावर 6 का होल पावर 1/2 आ जाएगा, यस आर नो। और प्रॉपर्टी जब एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर किसी का पावर लिखा है फिर होल पावर समथिंग लिखा है, एक्स की पावर एम होल पावर एन, दैट इज़ एक्स की पावर एम एन आएगा, एक्स की पावर क्या आएगा, एम एन आएगा। तो यहाँ से 2 की पावर 5 इंटू 1/5 एंड प्लस 7 की पावर क्या है, यहाँ पे 7 की पावर 0, मतलब यहाँ पे इसके लिए 1 आ जाएगी। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो उसके लिए 1 आती है, ठीक है, एंड यहाँ पे बेटा क्या होगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 5 से 5 इसके कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2, 3 जै 6 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 है और ये 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 1 तो 2 होगा, 1 1 रहेगा और 2 की पावर 3 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जै 4 2 जै 8 आ जाएगा। तो फाइनली 2+1 3, 3+8 11, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, कन्फर्म है, ओके, तो समझ में आ गया होगा, बस मेन यहाँ पे फैक्टर करना है, फैक्टर करके ब्रेक कर लेना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्रूव दैट 2 की पावर x - 1 + 2 की पावर x / 2 की पावर x + 1 - 2 की पावर x = 3/2। सोचो यहाँ पे LHS में x का फॉर्मेट है और RHS में x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का अच्छा सा यूज़ होगा, मतलब उसको हम अब कोशिश तो यही करेंगे कि भाई x आ रहा है तो कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन करें जिससे हमारा x रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 2 की पावर x लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं, वी कैन राइट इट 2 की पावर x इंटू या अपान में 2 लिख दो, 2 की पावर x - 1 को, याद करो यहाँ पर प्रॉपर्टी, x की पावर m अपॉन एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एम माइनस एन, इसका यूज़ कर लिया रिवर्स, अगर एम माइनस एन है तो एम ऊपर रहेगा और एन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये प्लस 2 की पावर x मैंने ऐसे एज इट इज़ कॉपी मार दिया, अपॉन में देखो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी यूज हो गई, एक्स की पावर एम प्लस एन क्या होता है, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन होता है, हाँ या ना। तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा, इन अ न्यूमरेटर कॉमन आउट 2 की पावर x, दैट इज़ 1/2 + 1, 1/2 + 1, क्योंकि यहाँ पे ये 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 की पावर x कॉमन आ गया, तो 1/2 + 1, ओके। और यहाँ से बेटा क्या आएगा, 2 की पावर x डिनोमीटर में कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 1 - 1 बचा, तो फाइनली 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इन न्यूमरेटर 1/2 + 1 ये 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा, तो फाइनली क्या जाएगा, दिस इज़ द, ये 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके कैलकुलेशन को करना, और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ओके, बात क्लियर हो कि नहीं? यस और नो, कंफर्म है? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ 1 to 5 दे रखा है, और 1 to 5 के बाद क्या दे रखा है यहाँ से कि जो आपका क्वेश्चन है 1 to 5 का पावर एक्स, 1 to 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 25/5 की पावर एक्स, ऐसे दे रखा है। तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज आप एक्सपोनेंट का बेटा यूज़ करना है और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जैसे ए की पावर एम है, ठीक है, अगर मान लो बेस वैल्यू सेम होगी, पावर ए की पावर एन है तो बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कुछ वैसा ही बनाना है, तो LHS में 125 पर जब फैक्टर करोगे तो 125 का फैक्टर क्या आएगा, 5 into 5 into 5 आएगा, यस आर नो? तो यहाँ पे LHS में 5 की पावर 3 आ गया और होल पावर x है, यहाँ पे RHS में 5 की पावर 2 है अपान में 5 की पावर x है, क्योंकि 25 का फैक्टर क्या आएगा, 25 का फैक्टर 5 into 5 आएगा, क्लियर है बात कि नहीं? यस आर नो? तो यहाँ से आ जाएगा तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3x रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 5 की पावर 2 माइनस का x आएगा, 5 की पावर 2 माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, सेम, बेस वैल्यू क्या है, सेम, तो 3x, तो पावर जब भैया बेस वैल्यू सेम है तो पावर क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, इक्वल के राइट में 5, इक्वल के लेफ्ट में 5, जब 5 5 है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 माइनस का x कर देंगे, और यहाँ से क्या करोगे, माइनस x को लेफ्ट साइड में ले जाओ, 3x प्लस का x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 4x इज इक्वल टू 2 एंड x के इनटू में 4 है तो अपान में 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 2 2 जा 4, तो फाइनली 1/2 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्लियर है कि नहीं? यस आर नो? तो प्रॉपर्टीज आप एक्सपोनेंट का यूज़ करना और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है, सारी प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ 5 की पावर x माइनस 2 into 3 की पावर 2x माइनस 3 = 135, कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो लॉजिक हमको यही माइंड में रखना है, a की पावर m, a की पावर n वाला कॉन्सेप्ट, m इक्वल टू n वाला, या फिर a की पावर n हो और b की पावर n हो, पावर इक्वल होगा तो बेस वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ये सब चीज़ माइंड में आपको रखना है, ठीक है, माइंड में आपको रखना है। तो अब देखो यहाँ पे तो हम इसको ब्रेक कर नहीं सकते, क्योंकि देखो दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है और बेस वैल्यू भी डिफरेंट, मतलब एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है, बेस वैल्यू भी डिफरेंट है। तो मैंने कहा भाई देखो 135 का मैं फैक्टर करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 33, फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप कर नहीं पाओगे, बस थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हाँ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं क्या। ये 5 की पावर 1 into 3 की पावर 3 है, अगर आप इस बंदे को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो 5 की पावर 1 into 3 की पावर 3 है। ओके, अब इक्वेट करो, यहाँ पे इक्वेटिंग बोथ साइड या कंपेयरिंग बोथ साइड, ओके, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर इक्वेट करोगे बोथ साइड तो क्या फ़ायदा मिलने वाला है भैया, ये 5 की पावर x माइनस 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 3 है, तो बोथ से अगर कंपेयर करोगे तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यस आर नो? ऐसे यहाँ पे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 3 करोगे तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस का 3। देखो यहाँ पे वैल्यू देखो, चाहे आप 5 वाले से निकालो चाहे आप 3 वाले से निकालो, वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, अगर वैल्यू में चेंज आएगा तो क्वेश्चन गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यस आर नो? क्लियर है बात कि नहीं? कन्फर्म है? ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे अननोन वैल्यू को भी निकालते हैं, तो प्रॉपर्टी आप एक्सपोनेंट का यूज़ करना है, और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।